हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सो यार, कुछ मसले थे और मसाइल थे, तो ऑडियंस की भी बहुत क्वेश्चंस थी। ऑडियंस तो खैर अभी इतनी नहीं है, लेकिन दोस्तों की बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थी कि हमजा यार, आपका यूट्यूब चैनल कब से बनाए और अभी तक आपकी व्यूज़ इतने अच्छे नहीं आ रहे। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर लूँ कि मेरा जो चैनल था पहले क्या था, अब क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब ये कि मेरी ऑडियंस वो नहीं है जो इससे पहले थे, अब मेरे ऑडियंस न्यू आ रहे हैं। मेरे पहले जितनी भी ऑडियंस थी या जितनी व्यूअर्स थे उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो लोग आज की वीडियो मेरी नहीं देखेंगे, अब मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ। अच्छा, और ये जो लोग हैं ये मेरे पुरानी वीडियोस नहीं देखेंगे। तो मसला यही है कि मैं हर एक शख्स के पास जाकर उसको समझा तो नहीं सकता। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जब जहाँ पे आप आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पे ग्रो करना कितना मुश्किल है। मेरा एक दोस्त था, वो मुझे कह रहा था कि यार अपने इस चैनल में मेरा नाम रख दो, कि क्या कुछ इस तरह का मजाक कर रहा था मेरे साथ। फिर बाद में उसने कहा कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते में 1,000 सब्सक्राइबर दूंगा। कुछ महीने पहले मैंने देखा, उसने पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाया, अभी तक उसकी 1,000 सब्सक्राइबर पूरी नहीं हुई। कहने में तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसको जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आओगे, जब इस जगह पे आओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल काम है यहाँ पे सर्वाइव करना, कितना मुश्किल है। लोगों की तनकीद देखकर, लोगों की बातें देखकर, लोगों की जो रिजेक्शन है वो देखकर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई यहाँ पे आना कितना ज़्यादा मुश्किल है। अगेन यही बताऊँगा कि यार, मैं अपनी एक चीज़ मैंने स्टार्ट की जिसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखिए, अगर मैं इस फील्ड को चेंज कर दूँ तो शायद मैं अपनी व्यूज़ ले सकूँ, मैं सब्सक्राइबर ले सकूँ। हमारे लोग तो बेवकूफ़ बहुत ज़्यादा हैं। मैं सब कुछ ले सकता हूँ, लेकिन शायद उसमें मेरा जो जो शौक है वो पूरा नहीं होगा। तो ये मेरा एक अपना एक शौक है जो मैं अपने वक्त के साथ, अपनी यूनिवर्सिटी के साथ, अपने टाइम के साथ, मतलब मैनेजमेंट करके मैं अपनी व्लॉग्स बनाकर या वीडियोस बनाकर अपलोड कर लेता हूँ। तो इसमें मेरा टाइम जितना लगता है तकरीबन, अब आप जब आप पहले जब आओगे तो वीडियोस बनाओगे तो देखिए आपका कितना टाइम लगेगा। मैं आपको बताऊंगा, आपके कम से कम एक वीडियोस को एडिट करने पे लगेंगे 2 आवर्स 3 आवर्स मैक्सिमम। सही है, अब मेरा कितना मैक्सिमम, मेरे 30 मिनट्स लग जाते हैं एक वीडियो को कंप्लीट एडिट करने में और अपलोड करने में, टाइटल टैग्स सब कुछ डालने के बाद भी मेरे तकरीबन 30 मिनट लग जाते हैं जब मैं इसको सही तरह बैठ के कर लूँ। तो मसला यही है कि यार, इस चीज़ में मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है इस पे। अच्छा, सॉरी यार, ये फोकसिंग का मसला दे रहा है तो मैं तो अच्छा, तो मुझे इसमें कोई इशू नहीं है और मैं इस पे बहुत खुश हूँ। और जितने दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार इसको आप नया यूट्यूब चैनल बना लो, आप जल्दी ग्रो कर लोगे, यही है। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि यार आप बना दे, लक की भी बात होती है। शायद मेरे लक और आपके लक में ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो, शायद उस रफ्तार से मैं ग्रो ना कर सकूँ जितना आप कर सकें। आपकी लक अच्छा हो सकता है मेरे लक के साथ, मतलब कंपैरिजन अगर कर ले तो शायद आपका लक अच्छा हो, क्योंकि मैं 2016 से आया हूँ, अभी तक कोई वो नहीं हुआ, कोई इतने खास व्यूज़ नहीं आए वीडियोस पे। सही है, तो मुश्किल है, मैं आपको बता दूंगा। मैं आज तक यहाँ पे हूँ और जो मैं सबर कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको सबर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी तक कर रहा हूँ। सही है, तो अगेन ये बताऊंगा कि यार मुश्किल है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आगे जाना। देखिए, एक यूट्यूबर है जो गंजा स्वैग, जुनैद अकरम यार, वो उसकी वीडियो देख लो ना, एक एक वीडियो उसकी लाखों की है। मतलब वो इतना अच्छा कंटेंट बनाता है, एक किताबें पढ़ पढ़ के वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, फिर ऑडियंस के सामने रख लेता है। आप उसकी जब व्यूज देख ले तो 22,000 24,000 मैक्सिमम ये व्यूज आ जाते हैं। अच्छा, एक रोस्टर की वीडियो देख ले तो उसमें मिलियंस में होते हैं। तो हमारे लोग पता नहीं क्या देखना पसंद करते, आई डोंट नो। अगर आप किसी ऐसी चीज़ की आप रोस्टिंग अगर स्टार्ट कर ले तो आप देखिए बहुत ज़्यादा आप व्यूज़ भी ले सकते हैं, सब्सक्राइबर भी ले सकते हैं, लेकिन शायद आपका वो सुकून ना हो, आप अपनी एक इमेज नहीं बना सकते सोशल मीडिया पे। सो यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ पैसा नहीं होता। देखिए, हर एक यूट्यूबर का जब इस प्लेटफॉर्म पे आ जाते तो इसका 100% यही वो होता है कि मैं इससे पैसे किस तरह निकलवा लूँ, क्योंकि इंतहाई मुश्किल काम है। बाइक को अभी तक मुझे अभी तक नहीं मिले, तो सोच लो कि 2016 से लेकर अब तक मैं इस पे हूँ और अभी तक नहीं मिले। मिल जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, यकीन है मिल जाएंगे। बस अपना काम करो। देखिए, मेरा आजकल क्या रूटीन है, देखिए मैं फारे होता हूँ, लॉकडाउन भी है, मेरा कोई काम ही नहीं। जब भी जहाँ जहाँ भी जाता हूँ मैं वीडियो बना कर 2-3 मिनट
जस्ट या 30 मिनट में मैं उसको एडिट करके अपलोड कर देता हूँ, ठीक है जी, उसको डाल दूँ यूट्यूब पे, मैं बस फारिग। अब यार निकल गई तो अच्छी बात है, नहीं निकली तब भी अच्छी बात है, मैंने कौन सा उस पर खर्च किया, नेट ऑलरेडी मेरे पास है जो कि मैं मोबाइल के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने कोई इस पे पैसे नहीं डाले। अच्छा मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो मैंने कितने इन्वेस्टमेंट दिखे, मैंने अभी तक जो इन्वेस्टमेंट मैंने टाइम का इन्वेस्टमेंट किया, मैंने 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 बहुत सी चीज़ों के इन्वेस्टमेंट कर लिया यहाँ पे, मुझे इसका बैकअप मिलेगा, मुझे यकीन है आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों इसका मुझे सलाम मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। अब मैंने कैम की इन्वेस्टमेंट की है, कैम मैंने ले लिया, माइक ले लिया, ये वाला माइक, माइक बोया। सो यार जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना तो आपको उसका बैकअप नहीं मिलेगा। अब इन्वेस्टमेंट डजंट मीन कि मतलब आप पैसों की इन्वेस्टमेंट करें, नहीं, इन्वेस्टमेंट में आ जाता है आपका पैसों, पैसों की इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन आपका टाइम इन्वेस्टमेंट, आपका जो स्ट्रगल है, आपका जो 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 आप इंटरनेट में ऐसी चीज़ें फाइंड करोगे जिससे आपका यूट्यूब का चैनल या आपकी वीडियोस आगे जा सके, टाइम की इन्वेस्टमेंट हो गई, तो ये सारे क्या है, ये सारे इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको सब वेट करना होगा। लोग हमारे लोगों में मसला है कि यार आज एक चीज़ स्टार्ट किया और 10 साल बाद या 2 दिन बाद, सॉरी 2 दिन बाद उसका मुझे सिला मिल जाए, नहीं यार आपको कम से कम वेट करना होगा, 5 साल 10 साल आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा सबर का फल मीठा होता है, तो ये जो चीज़ें यहाँ पे जब आप करते हो ना कोई काम, तो इसका यहाँ पे आपको सबर का जो फल है वो बहुत ज़्यादा मीठा होगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो किस तरह। एक बार जब आप किसी स्टेज पर पहुंच जाते हो ना तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मुझे कंटेंट किस तरह बनाना है, क्या करना है, बस आप जब वीडियो डालो और आप अपने व्यूज देखो, अपने सब्सक्राइबर देखो, खुद बहुत आ ही जाएंगे। तो अगेन यही कहूंगा कि यार टेंशन ना ले, अगर कोई नया भी आ रहा है तो यार आ सकता है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन कोई आपको प्रमोट नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यार गर्मी बहुत ज्यादा है, फैन को बंद किया, उसकी असल वजह क्या है कि माइक में बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को थम्स अप करो और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।